ये है जी रुकने जमानी, देख लें जी जरा अस्पत, देख लें जी आप, देख लें अभी खाना है काबा के दरवाजे के पास पहुंच चुका हूं मैं। वीडियो के शुरू में एक बात आपको बताऊं, मैं ताइफ से आया मैं उमरा करने, मैं और कुछ दोस्त थे। ये भाई होता था बड़ा, उसके पास ना गुलाब होता था हंडाई का बड़ा, तो आते समय तो फ्रंट साइड पर सब बैठकर आए, जगह माशाल्लाह है थी, जाते समय नींद बहुत सी, मैं और एक दोस्त था और, तो हमने सोचा कि भी पीछे जो डाला होता है उसमें ना चटाई बिछाई, यहाँ पर लेट जाते सो कर चलते हैं ताइफ। तो भाई चल पड़े, अभी जैसे जैसे ताइफ नज़दीक आ रहा है सर्दी ज़्यादा होती जा रही। अच्छा मैं सर्दी मुझे लग रही है, सर्दी से जब नींद नहीं आने लगी तो मैंने ना अपने चेहरे से वो ये अहराम उतारा, तो दूसरा जो दोस्त था ना वो कांप रहा है, मैं क्या क्या हुआ है, बोलता है इसे रोको यार। हम खड़े हो गए, उससे भाई वो गुलाब ऊपर से हाथ मारे और रोक इन वसी क्या साडू बेच पा ताई, बहुत सर्दी होती है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उमरा के लिए जा रखे हैं और अलविदाई उमरा है जी, आखिरी उमरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, कर गल तू, टैक्सी वाला रुका हुआ है, एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, 10 साल के अराउंड में चलो उनकी मर्ज़ी, 10 रियाल बोल रहे हैं बाबा मक्का के, लेकिन वो बोलता है 15 रियाल, मैंने उसको बोला, हमने उसको बोला चलो तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं गाड़ी में बैठता हूँ फिर बात करते हैं जी। तो टैक्सी ले ली है, 10 रियाल में मिल जाती है बड़ी माल मक्का के लिए, बा मक्का के लिए, बा मक्का के लिए, मक्का के लिए तो क्या आगे लेंगे। तो बहरहाल मैं आपके साथ बात ये कर रहा था कि अल्लाह ताला की ज़्यादा आपने, आप भाई भी उमरा करते हैं, आपके भी कबूल फरमाए और सब भाइयों के लिए इंशाल्लाह ताला दुआ करूँगा। और बात वही है जी कि अल्लाह ताला की ज़ात कबूल फरमाए, 10 साल के अराउंड में बहुत बार गए ज़्यारत के लिए, यानी कि मक्का की ज़्यारत के लिए जाते हैं, उमरा साथ में हो जाता है, चलो कभी तवाफ़ के लिए गया मैं, कभी जिद्दा से ताइफ जाते हुए गया, ताइफ में मैं 2 साल भी रह चुका हूँ, तकरीबन 2 साल से ज़ायद बल्कि। तो बात वही है जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा करम रहा कि बहुत बार ज़्यारत की। तो अभी जा रहे हैं बा मक्का की तरफ, तो इंशाल्लाह बा मक्का से टैक्सी कितने में मिलती है हरम के लिए इस वक्त, वो भी आपको बताऊँगा, और आपको सूरत हाल जो भी होगी आगे दिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह। हरम में रश वगैरह की क्या सूरत हाल है सब डिटेल के साथ शेयर करूँगा, अलविदाई उमरा है, आखिरी दीदार है जी। तो बा मक्का से बैठ गए जी टैक्सी में, और ये टैक्सी थोड़ी बड़ी, मैं आपको टैक्सी दिखाता हूँ, इसमें ये 15 रियाल में जा रही है, ये ऐसे आपको 20 में और 25 भी कहीं मांग लेते हैं लेकिन 20 में लेकर जाती हैं ज़्यादातर, ये 15 रियाल बोल रहे थे। हमने बोला कि एक तो ये टैक्सी है चलो, तो प्राइवेट बहुत है, प्राइवेट में हमने बोला क्या जाएंगे ऐसे कोई मुश्किल ना हो रस्ते में, कुछ उठता वगैरह ना रोक ले, प्राइवेट को अक्सर रोक लेते हैं आपको पता ही। तो ये टैक्सी है, बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, गाड़ी बड़ी है थोड़ा, ये है तो ऊपर से 15 रियाल में जा रखी है, तो इसमें बैठ गए, अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो शर्फिया देख लें जी, ये तमाम गिराया जा रहा है, ये तमाम बिल्डिंग्स खाली हो गई हैं, देख लें आप इधर, ये तमाम बिल्डिंग गिरा दी गई हैं, इस तरफ देख लें, ये तमाम बिल्डिंग गिरा दी गई हैं और खाली कर दिए गए, यानी कि अभी भी गिराया जा रहा है बा मक्का शर्फिया वगैरह तमाम एरियाज। तो ये लोग सब उधर बवादी फैसलिया अजीजिया बनी मालक वादी मरीख इन इलाकों में चले गए हैं। ये बिजली की लाइन जी देख लें माशाल्लाह, 1, 2, 3, 4 वो आगे 5 और आगे 6 बड़ी लाइंस गुजर रही हैं, ये कारबा की 6 लाइंस हैं बड़ी, और पीछे पहाड़ों का नज़ारा कर ले आओ मक्का भाई, मक्का के पहाड़ आपको पता ही स्याह और ठोस किस्म के, और गर्मी अल्लाह अकबर, गर्मी में तो मैंने काम किया है, आप भाई सऊदी में रहते हैं आपने भी किया होगा, गर्मी में भी यहाँ पर क्या गर्मी पड़ती है, जैसे ये काले पहाड़ है ना ऐसे ही बंदे को भी कर देती है। तो जा रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, और रास्ते में गाड़ी का टायर पंचर था, उसने पंचर लगवाया है, अभी इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको व्यू दिखाता जाऊँगा जी। तो चेक पॉइंट है जी, देख लें आप मक्का की चेक पॉइंट बोल रहे हैं आप इसे, तो ये आ चुकी है, यहाँ से गुजरेंगे अभी, मक्का अल मुकर्रमा में एंट्री हो चुकी है जी अल्हम्दुलिल्लाह, और देख लें वो ड्राइवर किराया इकट्ठा कर रहा है तमाम से, तो फिर भी चलो थोड़ा लेट हो गए हैं, लेट से बुराती है कि हमारी परमिशन शुरू होने वाली थी, देख लें टाइम 5 बज के,
53 मिनट हो चुके हैं, 6 बजे हमारा टाइम शुरू होने वाला है। तो ये है कि चलो हम 4:30 बजे के निकले, थोड़ा लेट हो गए हैं, हमें हमारे हिसाब से कोई हमें 15-20 मिनट पहले पहुँचना चाहिए था। चलो बहरहाल 6 बजे से 8 बजे का टाइम है, इंशाल्लाह उबरा करते हैं। आगे मैं जाता हूँ, उतरते हैं, जाते हैं अंदर, क्या सूरत हाल है वो देखते हैं। सराही देख लेंगे आप, ये वाली ये फूल बनाने वाली जो होती है उस टाइप की। इशारे पर रुके हैं। और मक्का में जब मैं काम करता था भाई, उस टाइम यहाँ पर पैदल घूमते थे, क्योंकि इस तरफ मोबाइल मार्केट है, वहाँ वो वीडियो वगैरह आपके साथ शेयर करता रहता था मैं। तो बिल्डिंग्स मक्का की देख लें माशाल्लाह। अभी आगे जा रहे हैं जी, इंशाल्लाह आपको आगे दिखाता हूँ। हरम शरीफ के नज़दीक पहुँच चले हैं जी। अभी ज़ाहिर सी बात है आगे भी छुट्टे खड़े हुए हैं यहाँ पर, वो भी चेक कर रहे हैं, खासकर कमामा यानी कि मास्क लाजम अभी यूज़ करें। हालांकि थोड़ी अभी सख्ती ख़त्म कर दी गई है, लेकिन वो खुले मकाम के ऊपर है। आप ऐसे एरियाज़ में या ऐसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं फिर मास्क लाजम है। तो देखते हैं जी इस कुबरी के ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं, किसी वक्त में मैंने अलबेक लिया जी, पीछे अलबेक गुजर चुका है। इस कुबरी के ऊपर बैठ कर मैंने वो अलबेक खाया, क्योंकि उस टाइम अलबेक में बैठने की जगह नहीं होती थी, अभी भी नहीं है। ये लोग हालांकि इतनी नरमी हो चुकी है, अलबेक वाले जगह नहीं खोल रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग मेरे हिसाब से अभी इसलिए नहीं खोलते हैं कि वाह 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 फुद्दू लगा हुआ है, एवं फ्री दे उत्थे पैसे उत्ते साढ़े वध लगते हैं। तो चलो बहरहाल ये कुबरी मुझे अभी भी याद है। ये देख रहे हैं कबूतर माशाल्लाह यहाँ पर कितने, लोग पैसा देते हैं और ये लोग खुद डाल देते हैं। वो देखें पैसा दिया एक बंदे ने और उसने खुद डाल दिया वहाँ पर। ये देख रही अलबेक, अलबेक जैसा लुक दिया हो, मैं बोलता हूँ अलबेक, अभी पढ़ा है तो पता लगे अलबेक कमाल है यार। वैसे खाना खा पा राउंड के माशाल्लाह नज़दीक पहुंच चुके हैं, अभी उतरेंगे फिर इंशाल्लाह एंट्री करेंगे। आगे आपको दिखाता हूँ, इधर से सारा भाई है बाहर वाली जो दीवार है ना सेहन की, वो उसको दोबारा से बनाया गया। देख लें आप, ये पूरा काम इस तरफ चल रहा है। अभी अब्दुल अजीज मलक फाहद जो गेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी ये जो गेट हैं इस टाइप इस तरफ के, इनके ऊपर काम चल रहा है। देख लें ये सारा काम चल रहा है इस तरफ, उस तरफ है जी गेट अब्दुल अजीज। अभी उतरते हैं नीचे, चलते हैं देखते हैं किधर से इंटर होते हैं जी। तो यहाँ से वो बोल रहे हैं नीचे इस तरफ घूम कर जाओ, अभी जाते हैं आगे फिर इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगा। तो हरम में इंटर हो चुके हैं, देख लें आप माशाल्लाह ऊपर ये मक्का टावर, और इसी गेट से इंटर हो जाते हैं मलक फाहद से, मलक अब्दुल अजीज इससे आगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप रौनक देख लें हरम शरीफ है इस वक्त। तो बात ये है कि मैं तवक्कल ना मेरी नहीं चल रही थी, तो फिर तवक्कल ना सिम चेंज की इस मोबाइल में, जिसमें तो सिम थी यानी कि तवक्कल ना थी, उस मोबाइल में सिम डाली फिर चली। और उसके बाद अभी इंशाल्लाह अंदर जा रहे हैं, वज़ू मैंने कर लिया, मगरब भी वैसे होने वाली है, 6:24 हो गए और 7 बजे और सॉरी 8 बजे तक का हमारा टाइम है। तो तवाफ सफा मरवा मगरब की जमात भी इसी दौरान में इंशाल्लाह तमाम तर तफसीलात आपके साथ आगे शेयर करता हूँ। फिलहाल तो आप ज़्यादात करें जी, आगे मैं आपको खाना है कावा दिखाता हूँ। अलबत्त ये जी चप्पल का साथ तो इधर तक छूट गया है, ठीक है, आपको पता है वापसी वो सफ़ा मरवा से निकालते हैं, तो उधर से तो चप्पल और ढूंढनी पड़ेगी। इसका और मेरा साथ इधर तक का था, इधर तक का था। ऐसे रस्तों से होते हुए जा रहे हैं जी हरम में, सहन में जाएंगे। बंदे दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ लगाने का यहाँ मकसद ही कोई नहीं है। सहन में वो आपने अगर अहराम डाला हुआ तो आपको तो जाने देंगे, आपको तो नहीं रोकेंगे। मगरब की अजान शुरू हो गई है जी। माशाल्लाह देख लें जी।
मैं नफल पढ़ लूँ फिर नमाज पढ़ते हैं। आप देख लें जी ये लाइनें लग गई हैं नमाजे मगरब के लिए। अभी मगरब के लिए अभी जमात होने वाली है तो आवाम बैठी हुई है। काफ़ी अरसा बाद मैं भी पढ़ रहा हूँ मेरे सहन में ऐसे जमात, वैसे इतना मौका नहीं मिलता ख़ासकर जब से ये वायरस शुरू हुआ है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह देख लें जी माशाल्लाह। अभी टाइम 7 बजे के करीब हो चुका है और खाने का बाकी ज़्यारत अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। ये मैंने तीसरा चक्कर शुरू कर दिया, पहले 2 चक्कर ज़ाहिर सी बात है वो मोबाइल निकाला, वो नमाज़ ख़त्म होते ही मगर कि मैंने चक्कर शुरू कर दिए थे, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा मैंने शुरू कर दिया। रश देख लें आप सहन में, पीछे देख लें रश, इस तरफ देख लें आपको रश दिखाई देगा, आप देख लें माशाल्लाह ये इस तरफ देख लें रश बना हुआ है अभी, क्यों? क्योंकि उमरा भाई इंटरनेशनल भी ओपन है, इंडोनेशियन हाजी। मैंने आपको जैसा कि मदीना से कुछ वीडियो आपके साथ शेयर की हैं वहाँ से भी आपको दिखाएं और यहाँ से भी दिखा रहा हूँ, तो इंडोनेशियन हाजी काफ़ी तादाद में आए हुए हैं। अभी भाई वो गोसा बंद है जी हजरे अस्वद का, आपको पता है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह जब भी उमरा पर आते तवाफ़ के लिए आते हजरे अस्वद का गोसा ज़रूर लेते होते थे, तो अभी बंद है जी, बस क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं करीब जाऊंगा आपको दिखाऊंगा ज़रूर। ये तो अभी मैंने 4th चक्कर शुरू कर दिया, 4th चक्कर आप देख लें ये मुकाम इब्राहिम, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा लास्ट चक्कर में अंदर जाऊं तो आपको करीब से दिखाऊं, क्योंकि वो आगे तक अभी ओपन है, आप मुकाम इब्राहिम की ज़ियारत कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको करवाऊँगा मैं जी। तो देख लें जी माशाल्लाह, तो अभी मैं 6ठा चक्कर शुरू हो गया और उसके बाद इंशाल्लाह 7वें चक्कर में मैं अंदर जाऊंगा, यानी कि अभी से अंदर यहां से होना शुरू कर दूंगा ना, 7वें चक्कर तक अंदर चला जाऊंगा, बिल्कुल करीब से इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा और 7 चक्कर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर सफ़ा मरवा की तरफ। ये बिल्कुल करीब हो चुका हूँ जी इस तरफ खाना है काबा के, देख लें आगे जी देख लें हजरे अस्वद एंड मुकाम इब्राहिम, तो ये इधर तक इन लोगों ने अभी खोला है, फिर भी पहले की नस्बत कुछ बेहतर है, पहले तो मुकाम इब्राहिम तक बंद था आपको पता है, तो अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ देख लें जी हजरे अस्वद। अभी हजरे अस्वद आके देख लें खाने का आपका दरवाज़ा, अभी आपको ज़्यारत आप अच्छे से कर सकते हैं, पहले ये होता था आपको पता है खाने का बगैर दरवाजे का साथ आवाम बहुत सी लगी होती थी। अभी मुकाम इब्राहिम की तरफ मैं थोड़ा थोड़ा निकलता हूँ, इस तरफ आपको वो दिखाता हूँ ये सामने जी, ये जी मुकाम इब्राहिम आप ज़्यारत कर लें माशाल्लाह देख लें। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये खुला हुआ है देख लें, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव के निशान अभी भी वैसे के वैसे हैं, तो देख लें ज़ियारत मुकाम इब्राहीम ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी खुला हुआ है। तो अभी आगे 7वां चक्कर शुरू हो चुका है जी मेरा, मैं अभी बाहर निकलता हूँ आस्ता आस्ता, आप भाई को तमाम तर ज़ियारतें तो अल्हम्दुलिल्लाह करीब से करवा चुका हूँ, अभी बाहर निकलते हैं। 7 चक्कर पूरे हो चुके हैं जी आप देख लें माशाल्लाह, तो अभी 2 नफल पढ़ेंगे उसके बाद इंशाल्लाह सफ़ा मरवा की तरफ जी। तो सफ़ा मरवा की तरफ जा रहा हूँ मैं, रास्ते में ये बांट रहे हैं जी, वो देख रहे हैं आप, अच्छा वो ऐसे नहीं बांट रहा है हाजी उजी, खुद इंतज़ामिया दे रखी है, ये खजूर है, ये खजूर मिक्स की हुई है, यानी कि उसका गूदा मिक्स किया हुआ है और इसमें कुछ मिलाया हुआ है और कुछ खाते हैं देखते हैं। यहाँ से वो लेफ़्ट बोल रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ो ऊपर जाओ, ये जो खजूर का मैंने आपको बताया था टेस्टी है यार, नहीं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर और वहाँ पर तवाफ और सॉरी सफ़ा मरवा का नज़ारा कीजिए जी, नीचे से
हम भी आगे से नीचे जाएंगे देखने आप। माशाल्लाह अभी आगे से फिर सीढ़ियाँ नीचे और इस तरफ से अंदर क्लब भेज रहे हैं। है उम्रे तो शुरू तक गवाचा जे तो हूँ लब्बा तो इतने खड़ा इन्हें काम वे हाँ हेलो तेरी बारी नहीं आई इन कोई पता नहीं मैं इन्हें कोल आ गया। हाँ तेरी बारी नहीं आई जूर बड़ी ट्रैफिक खाओ वेट करो लिफ्ट का लिफ्ट आएगी ऊपर जाएंगे फिर सफा मरबा शुरू होगा। ऊपर पहुंच चुके हैं मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक फ्लोर है लेकिन शायद ये लास्ट हो यार। बहरहाल इसके इस फ्लोर पर मैंने कभी मेरे हिसाब से तवाफ तो नहीं किया है इससे नीचे किया है तो बहरहाल उधर से शुरू करेंगे एक साइड से तो इस तरफ जाएंगे इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा मैं। ये तो यहाँ से शुरू कर दिया हमने सफ़ा मरवा और पहाड़ी जो है सफ़ा मरवा की वो नीचे है यहाँ से देख लें आप। अभी ये लोगों ने बंद किया हुआ है वहाँ जा नहीं सकते करीब ये ऊपर वाला फ्लोर है आप चेयर भी ले सकते हैं और नीचे तो वो आपको बाइसाइकिल क्या यार वो इलेक्ट्रिकल जो होती हैं बाइक वो भी मिल जाती हैं सिंगल एंड टू पर्सन। ये ऊपर वाले फ्लोर पर वो नहीं है यहाँ पर ये आपको करवा देंगे अगर आपने सीढ़ी के ऊपर बैठ कर करना है यानी कि चेयर के ऊपर। तो पहला चक्कर शुरू हो चुका है इंशाल्लाह आगे आगे आपको दिखाता जाऊँगा। सफ़ा मरवा चार चक्कर कंप्लीट किए हैं ईशा की अजान होगी इंशाल्लाह ताला ईशा भी बाद जमात ही पढ़ेंगे जी। अभी ईशा की जमात ख़त्म हो गई है पत्थर लगा हुआ नीचे आप देख लें पत्थर के ऊपर पड़ी है वो मगरिब और पत्थर के ऊपर ही यहाँ पर भागा है पड़ता है तो पत्थर के ऊपर ही ईशा की पड़ी है टुकड़ों में ना पता लग गया है। सफ़ा मरवा और नफल वगैरह पढ़ ली है अभी बाहर निकलने लगे हैं यहाँ से जिस रास्ते से बाहर जाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ बाहर निकाल रहे हैं वो आवाम जा रही है बाहर तो हम तो जाएंगे इस तरफ जबल उमर की तरफ वो किधर से जाएंगे भाई अभी देखते जबल उमर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। तो अभी जा रहे हैं जबल उमर यानी कि बाब अब्दुल अजीज उससे मक्का टावर से होते हुए फिर आगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो वीडियो भी शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह यानी कि मक्का टावर की वीडियो एक अलहदा से शेयर करूँगा। अंदर थोड़ा घूमते फिरते हैं देखते हैं मार्केट्स वगैरह क्या कुछ लगा हुआ है क्या कुछ डिस्काउंट है कितने में है 2 रियाल 5 रियाल नहीं है अभी क्या महंगा हो गया सामान कि सस्ता है। बहरहाल मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह ताला वो आपको एक और वीडियो में शेयर कर दूँगा।